हेलो एंड वेलकम टू शुभम मधुरिशय। मैं हूँ शुभम और आज हम लोग बात करने वाले हैं CSIR जो नॉर्थ ईस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी जोरहाट के तरफ से आज ही के दिन में आज रात को फाइनल लिस्ट रिलीज किया दिया गया था। ठीक है, तो काफ़ी सारा डाउट था आप लोगों का, सब डाउट क्लियर किया जाएगा। उससे पहले बताना चाहूँगा, एक फेसबुक पेज क्रिएट किए हैं सामान्य रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑनलाइन के नाम से, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। इसमें होगा क्या, इनमें तो फोर कैटेगरीज है ना, फोर कैटेगरी, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, कैटेगरी डी। तो हर एक कैंडिडेट में कैटेगरी वन में आते हैं लगभग वन कैंडिडेट इंडिविजुअल, कैटेगरी बी में आते हैं दो मेंबर, ठीक है, और कैटेगरी सी में आते हैं फाइव मेंबर, और कैटेगरी टेन डी में आते हैं 10 to 15 मेंबर्स। ठीक है, तो हर एक कैंडिडेट को अगर खोजना है अपना क्या कुछ कैसे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो आप इंडिविजुअली मीन्स आप लोग कमेंट बॉक्स में भी यूट्यूब में लिख सकते हैं या फेसबुक पेज में जाके आप जो है अपना कुछ सवाल हो या कुछ भी हो तो आप पूछ सकते हैं। इसीलिए इस ग्रुप को क्रिएट किया गया है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले हम लोग डाउट ले लेते हैं। श्वेता देशमुख, प्रियंका अलवादी, इंजीनियरिंग आर्टिस्ट जो भी हैं आप अपना नाम बता दीजिएगा। ठीक है, कोई पूछा भी था शायद आपसे। तो नॉर्थ ईस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी जोरहाट की तरफ से इस साल समर रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम को कॉन्डक्ट किया जा रहा है। तो आप तो नॉर्थ NEIST में तो अप्लाई नहीं किए थे ना, ठीक है, तो आपको क्यों दिया गया? आपको नहीं, सबको दिया गया, क्योंकि जैसे आप जाम दिए थे इन साल कौन कॉन्डक्ट किया गया था, IIT जाम कॉन्डक्ट किया गया था, IIT गेट भी था, तो सेम IIT खड़गपुर ने कॉन्डक्ट किया था इसको। ठीक है, तो उसे ही हम लोगों को इन साल मतलब समर रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए कॉन्डक्ट कर रहा है नॉर्थ ईस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी जोरहाट। इन फ्यूचर आपको अगर लैब जाना पड़े, ठीक है, तो आपको फिर मेल कर दिया जाएगा। आप अगर फिजिकली जाना है तो आप जा सकते हैं। तो इन साल क्योंकि COVID-19 चल रहा है तो सुनने में आ रहा है कि फिर से एक लॉकडाउन आएगा, तो इसे भी आप लोग जा नहीं सकते और ये जो है पूरा पूरी ऑनलाइन ही है। अगर इन फ्यूचर फिजिकली जाना पड़े तब आपका जो लैब प्रेफरेंस है आपको उसी में से दे दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। जो तीन प्रेफरेंस डाले थे उसी में से दे दिया जाएगा। ठीक है, लॉकडाउन तो होने वाला है शायद यही। तो और एक क्वेश्चन लेते हैं, मतलब यही क्या फाइनल लिस्ट है, लेकिन आप जो प्रेफरेंस दिए थे उसी के हिसाब से बाद में लैब आ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें लगभग थ्री कैटेगरीज है। ठीक है, कैटेगरीज में आपको बता दिए किसमें कितना है, तो आप लोग जो है ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, जाके तो कैटेगरी ए में आएगा आपका, हर रोज़ एक लेक्चर आएगा और हर रोज़ आपको असाइनमेंट दिया जाएगा और हर रोज़ जो है आपको रिज़ल्ट को अपलोड आपको देना पड़ेगा असाइनमेंट और रिज़ल्ट आ जाएगा हर रोज़। ठीक है, और मेंटर के साथ आपका हर रोज़ बात होगा, जो मेंटर होंगे आपको डिटेल से बताते हैं। हम लोग आते हैं कैटेगरी बी में। ठीक है, कैटेगरी बी में आपका जो है टू स्टूडेंट्स होंगे आप लोग। टू स्टूडेंट्स होने के बाद मेंटर हफ्ते में दो बार आएंगे। ठीक है, मेंटर से दो बार बात होगा, डेली असाइनमेंट और रिज़ल्ट आपको डेली दे दिया जाएगा। और ग्रुप सी में ऑन सा वीक होगा, मेंटर आएंगे, असाइनमेंट और रिज़ल्ट डेली आपको दे दिया जाएगा। ग्रुप डी में 10 से 15 मेंबर का ग्रुप है। ठीक है, 10 से 15 मेंबर का ग्रुप है, उसमें भी मेंटर एक दिन आएंगे और इनमें लगभग लगभग आपका 1500 के आसपास के पास ग्रुप डी में है। ठीक है, और कैटेगरी ए में है लगभग, बताते हैं आपको, कैटेगरी ए में लगभग 42 हैं और कैटेगरी बी में 265 के आसपास और कैटेगरी सी में 808 और कैटेगरी डी में आपका 1527। ठीक है, टोटल आपको बता दिए थे कितना था, 2547 या कितना था, अगर इसको जो मतलब इसको कैलकुलेट करते हैं तो देख लीजिएगा आप लोग। तो हम लोग अब आते हैं ग्रुप ए में, यहाँ पर देख लीजिए, पॉपुलर लेक्चर्स फॉर एमिनेंट साइंटिस्ट, एडवांस लेक्चर फॉर सिलेक्टेड टॉपिक्स रिलेवेंट द प्रोजेक्ट, ऑनलाइन डेमोन्स्ट्रेशन, एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट एंड इक्विपमेंट्स एंड हाई वैल्यूज। तो आपको इंडिविजुअल प्रोजेक्ट दिया जाएगा, असाइनमेंट एक्सरसाइज दिया जाएगा, डेली अपडेट रिजल्ट, डेली इंटरेक्शन विद द मेंटर्स, ये बताया गया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। यही है, तो जब भी हम लोग पहले फॉर्म फिलअप किए थे
तो वहाँ पर आपको कुछ बताया गया था, मतलब जिसका भी प्रोजेक्ट अच्छा होगा, मतलब कौन सा प्रोजेक्ट में आप जो काम करना चाहते हैं, तो उसी हिसाब से सिलेक्ट हुआ है। ठीक है, तो जैसे मेरा दो सिलेक्ट हुआ है, मतलब हमें इसलिए दो सिलेक्ट किया गया है, हम जो प्रोजेक्ट दिए थे उस प्रोजेक्ट में कैटेगरी ए में बी में आता है और कैटेगरी सी में भी आता है, इसीलिए कुछ प्रोजेक्ट ए बी में आया है, कुछ प्रोजेक्ट जो है सी में आया है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कैटेगरी बी में। यहाँ पर पॉपुलर लेक्चर्स फॉर एमिनेंट साइंटिस्ट, ऑनलाइन डेमोस्ट्रेशन, सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट एंड इक्विपमेंट्स और हाई वैल्यूज़, आप लोग तो पढ़ पाएंगे। ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, यही था सब में, यही था, आपको बता दिए थे वीडियो में जब शुरू हुआ था, तो सब में आपका असाइनमेंट दिया जाएगा डेली बेसिस पे। ठीक है, असाइनमेंट दिया जाएगा, उसको आपको डेली बेसिस में उसको कंटिन्यू करना है, और डेली मेंटर आएंगे ग्रुप ए में और ग्रुप बी में आएंगे हफ्ते में 2 बार, और ग्रुप सी में आएंगे हफ्ते में 1 बार, और ग्रुप डी में आएंगे हफ्ते में 1 बार। ठीक है, और उसमें कितना कुछ मेंबर था सबको बता दिए, सेम ही है, सिर्फ कुछ कुछ अलग है, आप अपने हिसाब से जो किए थे फॉर्म फिलअप के टाइम उसी हिसाब से आपको उसी ग्रुप में रखा गया है। ठीक है, पॉपुलर लेक्चर फॉर्म एमिनेंट साइंटिस्ट, ऑनलाइन डेमोस्ट्रेशन, यहाँ पर एक ही है, तो यहाँ बताइए, बाई कॉन्डक्टिंग सर्वल एक्सपेरिमेंट, कलेक्टिंग बिहेवियर सैम्पल्स, इंटेंसिव एनालिसिस ऑफ डाटा, डेली अपडेट ऑफ रिजल्ट एंड ऑन द वीक इंटरेक्शन विद द मेंटर्स। ठीक है, आप लोग तो पढ़ पाएंगे, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं। तो उम्मीद करता हूँ जो कुछ भी बताया गया मेरी तरफ से सब कुछ समझ पाए होंगे, और ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, हर एक के लिए अच्छा होगा। और आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप कौन सा ग्रुप में है, आप लोग एक दूसरे का हेल्प कीजिएगा। ठीक है, अगर कोई सीनियर्स हैं तो जूनियर्स को हेल्प कीजिएगा, और एक दूसरे के संग टच में, एक दूसरे के साथ टच में रहिएगा। ठीक है, एक दूसरे के साथ टच में रहना है आप लोगों को, तो आपका भी हेल्प हो जाएगा, उनका भी हेल्प हो जाएगा। यहाँ पर से दो बताया गया है, दो बताया गया है, चार बताया, दो बताया गया, एक बताया गया है, पाँच बताया गया है, और 10 से 15 बताया गया है। तो आपको अगर इंडिविजुअली सिलेक्ट करना है, अगर सिलेक्ट करना है अपने आप से, अगर ऐसा कुछ सी एस आई आर ने बताता है तो ठीक है, अगर अपने हिसाब से चुनना चाहते हैं, लेकिन कैसे क्या होगा बता नहीं पाएंगे अभी, अगर होता है तो ठीक है, अगर नहीं भी होता है तो आप फेसबुक पेज के थ्रू, मेरे वीडियो थ्रू आप अपने जो पार्टनर हैं, ठीक है, उसको आप खोज पाएंगे। तो इसी के साथ जो है वीडियो समाप्त करते हैं, फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।